निबोश आईजीसी की जो वैल्यू है पहले से उसकी डाउन हो गई है, काफ़ी बल्कि डाउन हो चुकी है, क्योंकि जब मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे बंदे, मैं बार बार इस वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे सेफ्टी आ रहे हैं जिन्होंने डन बेस पे आईजीसी किया, कुछ लोगों ने ऑफिशियली भी किया, बल्कि मैं एक कुछ वीडियो में, मैंने दो वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि एक बंदा कनाडा में सेफ्टी में जॉब कर चुका है, जब उसने आके खुद से वो निबोश आईजीसी किया उसमें वो फेल हो गया। तो ऑफिशियली अभी, क्योंकि करना अभी क्या है, निबोश खुद से इतना स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, अभी डन बेस ख़त्म हो गया है, अभी मेरे ख्याल में 2 महीने तो हो गए इसको ख़त्म हुए हुए, कोई भी डन बेस पे नहीं ले रहा है कि यार मुझे करने दो या पैसे इतने ले लो, कोई सीन नहीं है, क्योंकि निबोश ने खुद से एक्शन लिया। वो एशिया में तो कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका तो वो 100 में से 70% वो फेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसका चेकिंग का जो लेवल ही चेंज कर दिया, कि पहले की जो प्लेजरिज्म वगैरह के भी चेक कर रहे हैं, वर्डिंग चेक कर रहे हैं कि पहले किसी ने अगर किया है तो किस तरह का, मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। तो काइंडली थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि डन बेस पे किसी को मत दीजिएगा, वरना आप फेल हो जाओगे मेरा भाई। और दूसरा, निबोश आईजीसी की वैल्यू भी पहले से कम हो गई है, तो अभी लेवल 6 की तरफ लोग चले गए हैं, बहुत सारी मेम्बरशिप की तरफ चले गए हैं, क्योंकि कोई भी मेम्बरशिप आपके पास होगी तो फिर आपको जल्दी से चांस मिल जाएगा, आरामको में भी इंटरव्यू का जल्दी से चांस मिल जाएगा, पोर्ट एरिया हो गया या कोई और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। लेकिन निबोश आईजीसी में अगर आपने डन बेस पे भी किया है तो एटलीस्ट उसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स कितने थे, आपने कब सबमिट करवाया, आपके पास ईमेल आई थी, ठीक है, रिपोर्ट कैसे बनाई गई, असाइनमेंट कैसे बनाया था, आपने लिखा कैसे था, क्या क्वेश्चन आए थे, ये चीज़ें एटलीस्ट आपको मालूम रहनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई आपके इंटरव्यू होगा पूछा गया तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए हो, जैसे कोई शट डाउन आ गई, सेफ्टी ज़्यादा चाहिए हो, तो फिर वहाँ पे चांस बन सकता है, अगर कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन के आंसर दे दो, अदरवाइज़ आप लटक जाओगे।